उषा का रेफरेंस आपको गायनेकोमास्ट का ट्रीटमेंट के लिए कैसे मिला? वो मैंने गूगल पे सर्च किया, कई सारे डॉक्टर्स थे, मैंने रिव्यूज देखे, वीडियोस देखे, तब जाके मुझे डॉक्टर आशुतोष उषा की ट्रीटमेंट अच्छी लगी देख के। ओके, तो डॉक्टर आशुतोष उषा का रेफरेंस जैसे आपको मिल गया था, तो अपॉइंटमेंट आराम से मिली थी? हाँ। जैसे आप कंसल्ट करने के लिए आए डॉक्टर आशुतोष उषा के एलिगेंस क्लिनिक में, तो ये गायनेकोमास्ट का ट्रीटमेंट समझने के लिए कितना टाइम दिया गया था? करीबन आधा घंटा जैसा दिया था उन्होंने टाइम, बराबर समझाया था पूरा। ओके, वो आधे घंटे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे? ओके, सर्जरी से पहले के लिए जो जो भी कुछ केयर लेनी थी वो बराबर से आपको समझाई थी? सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? कुछ नहीं, मैं सुबह आया था, सर्जरी करी, मतलब पूरा बेहोश था। ओके, और जैसे ही होश में आया मैं अलग रूम में जाके सोया हुआ था। ओके, तो पूरी पेन फ्री रही थी, जरा सा भी दर्द नहीं हुआ था, और उसके बाद भी ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द नहीं रहा। ओके, सर्जरी के दिन की अगर बात करें तो एलिगेंस की टीम ने आपकी केयर कैसे ले गई थी? अच्छे से केयर ली थी उन्होंने, बार बार वो आके पूछ भी रहे थे, मतलब उन्होंने वो बॉटल भी जो उन्होंने चढ़ाई थी वो भी सब बराबर सब कर रहे थे, अच्छी थी सर्विस। ओके, सर्जरी के बाद जैसे आप डिस्चार्ज होकर घर पे गए तो एलिगेंस टीम ने आपको कैसे केयर ली गई थी? डिस्चार्ज होने के बाद जनरली कोई कहता नहीं है वैसे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन फिर से कॉल किया था और उसके बाद भी फॉलोअप में बुलाते रहा था। ओके, और एक बात ऐसे करते हैं कि गायनेकोमास्ट का ट्रीटमेंट आपने करवा तो ली, पहले आप कैसा फील कर रहे हैं और अभी कैसा फील कर रहे हो? पहले मुझे ऐसा लगता था कि फीमेल बूट जैसा है, मतलब ऐसे शर्म आती थी, टी शर्ट भी सारे टी शर्ट पहन नहीं पाता था, और अभी तो पूरा फ्री है, एकदम अच्छा लगता है। ओके, अब बात करते हैं कि गायनेकोमास्ट का ट्रीटमेंट हो गई, आप अच्छा फील भी कर रहे हो, तो एलिगेंस टीम के लिए कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको डॉक्टर्स का नेचर, स्टाफ का नेचर और एनवायरमेंट कैसा फील हुआ? डॉक्टर्स का अप्रोच अच्छा था, जब जब मैं फॉलोअप में आता था तो सारे डॉक्टर्स अच्छे से समझाते थे, ड्रेसिंग भी अच्छे से चेंज होती थी, और एनवायरमेंट भी यहाँ का अच्छा रहा, ऑपरेशन के बाद भी और ऑपरेशन के पहले। ओके, डॉक्टर आशुतोष सर, ये गायनेकोमास्ट के अलावा ब्रेस्ट सर्जरी, लाइपोसक्शन, हेड ट्रांसप्लांट, बियर ट्रांसप्लांट, बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करवाना चाहता है तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ जरूर, बाकी सर्जरी में नहीं लेकिन मेरी सर्जरी में मैं जरूर करना चाहूंगा, जो गायनेकोमास्ट करी है उसमें तो मैं खास कहूंगा कि अच्छी है। ओके, आप एलिगेंस टीम को और डॉक्टर आशुतोष उषा को 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं 4 स्टार दे दूंगा। ओके, थैंक यू।